congratulations. Thank you. For the Khatru Khiladi, how excited are you for it? बहुत एक्साइटेड हो कि मैं एक आउटफिट बनाया और आप देखते हो कि ये रोदीज तो ये मैं पहला शो इंडिया में, ये मेरा सेकेंड शो एम टी वी स्पिस विला कि मैंने जीत गई और ये अभी मैं खतरों के खिलाड़ी जा रही हूँ रोहित शेट्टी के साथ। स्नेक्स काफ़ी सारे स्टंट्स होते हैं तो इसके लिए एक्साइटेड हो? वाटर स्टंट, स्टंट, स्टंट। मैं स्नेक से डर नहीं लग रही हूँ क्योंकि मेरा पहली शो स्पिस विला मैंने एक स्नेक मिला ह्यूमन शेप में, सो आई एम वेरी फैमिलियर विद स्नेक्स एंड दे आर मोस्ट वेलकम इन खतरों के खिलाड़ी शो। विनिंग मटेरियल तो आप ऑलरेडी हो ही, तो क्या लगता है, काफ़ी सारे नाम आ रहे हैं, गौतम अर्चना गौतम का नाम आया है, बहुत सारे नाम, अलग अलग नाम आ रहे हैं, कौन होगा आपका टॉप कॉमेडी? मुझे लगता है कि सारे लोग मेरे कंपटीटर है क्योंकि इफ़ दे आर इन खतरों दे मस्ट बी देयर फॉर अ रीज़न, बट मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ एंड आई थिंक दैट कमिंग टू इंडिया एंड इन वन ईयर डूइंग सच अ गुड जॉब एंड डूइंग ऑलरेडी टू रियलिटी एंड विन इन वन इज मेकिंग मी कॉन्फिडेंस अबाउट माई एबिलिटीज एंड लेट्स जस्ट गो एंड हैव फन एंड दिस टाइम फॉर मी खतरों के खिलाड़ी इज लाइक मोर देन जस्ट यू नो शो एन अपॉर्चुनिटी, मेरे लिए वो काम है और मैं बहुत सीरियस हूँ खतरों के खिलाड़ी के बारे में। रोहित शेट्टी सर के साथ क्या लगता है, काफ़ी स्ट्रिक्ट भी है वो, डांट देते हैं? जब मुझे पता कि मैं खतरों के खिलाड़ी जा रही हूँ तो मेरा दिल तक 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 करते हैं, जैसे उसकी फिल्मियों में उसकी गाड़ी ऐसे उड़ते हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जब मैं पेरिस रहती थी तो मैंने उसके सारे मूवीज़ देखा और मैं उसका फैन लाइक सिंस बचपन से। आई थिंक दैट नॉट लाइक ऑल पीपल हैव द अपॉर्चुनिटी टू गो टू खतरों के खिलाड़ी, स्पेशली पीपल हू हैव डन स्प्लिट्स विला एंड रोदीज, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल अबाउट दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई वॉन्टेड टू मेक एन आउटफिट फॉर दैट एज अ साइन ऑफ ग्रेटफुलनेस, सो ये मेरा आउटफिट है और ये मेरा काम है। मुझे उर्फी का स्टाइल बहुत पसंद है और उसका स्टाइल बहुत यूनिक है, लेकिन ये उसका स्टाइल है और ये मेरा काम है, तो ये दो चीज़ बहुत अलग है। थैंक यू, बाय। Yeah, yeah, yeah.